हेलो एवरीवन, सो एक होता है आईआईटी क्रैक करना और एक होता है आईआईटी दिल्ली में सीएस क्रैक करना। तो हमारे साथ आज है सौरभ वर्मा, आइए इनसे जानते हैं इनके बारे में कि ये इन्होंने कैसे हासिल किया। सौरभ, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सौरभ वर्मा है, मेरा जेई एडवांस में रैंक 795 था और बोर्ड्स में 94% आए थे। मेरे पापा रेलवे में सरकारी नौकरी करते हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे भैया आईआईटी बीएचयू से माइनिंग की पढ़ाई किए थे। कोविड के दौरान ही मैंने सोचा कि मेरे को आईआईटी करनी है, तो मैंने 11th में वाइब्रेंट ज्वाइन किया। तो फिर वहाँ पे मुझे एक्चुअली पता चला कि आईआईटी की तैयारी उतनी आसान होती नहीं है जितनी हम लोग को 9th में लगती है। तो फिर ऐसे ही हम लोग का 2 साल बहुत मतलब एक तरह से वो लाइफ टाइम मेमोरी है। बीच में अप्स एंड डाउन्स आते रहे। शुरू में ऐसा लगा कि ईजी है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे 11th से 12th की तरफ शिफ्ट हुए वैसे वैसे हमारा बीच बीच में मोटिवेशन डाउन हुआ। तो सर से कभी कभी बात करते थे तो सर ने बताया कि मैं कर सकता हूँ, अपने ऊपर भरोसा रखना। मार्क्स भी बीच बीच में कम होते थे तो घर वालों को तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही रहती है, तो बट मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे। मेरे पापा कभी भी कम मार्क्स आए तो ऐसा नहीं था कि वो मुझे आके डांटे या ऐसा डीमोटिवेटेड बातें करे, बल्कि बोलते थे कि मैं कर सकता हूँ आराम से, मैं 2-3 टेस्ट में आराम से इम्प्रूव हो जाएगा। तो ऐसा घर से तो मेरे को कोई प्रेशर था नहीं, आराम से किया मैंने। बीच बीच में जब भी मोटिवेशन डाउन होता था, मेरे भैया भी एक्चुअली आईआईटी में है तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर उसका भी था कि भैया है तो मेरे को भी जाना है। एक्चुअली मोटिवेशन ही वही था और प्रेशर भी वही था। सो सौरभ, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपने आपको आईआईटी दिल्ली सीएस मिली है, कैसा लग रहा है आपको और ये जर्नी कैसी रही आईआईटी की, ये बताइए। मुझे तो मतलब बहुत अच्छा ही लग रहा है आईआईटी दिल्ली सीएसई के लिए, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशंस मतलब मुझे जब जेई एडवांस का रैंक आया तो मेरे को लगा नहीं था कि आईआईटी दिल्ली मिलेगा, बट समहाउ मिल गया तो मैं हैप्पी हूँ। और मेरी आईआईटी जेई की जो प्रिपरेशन है वो मैंने एक्चुअली स्टार्ट 9th से कर दी थी। 9th 10th मैंने एक कोचिंग किया नॉर्मल, बट उतना फोकस स्टडी आईआईटी के लिए नहीं था। और 10th में क्योंकि कोविड आ गया था तो अनसर्टेन था सब कुछ। तो लास्ट में मैंने 11th में जब वाइब्रेंट ज्वाइन किया तो मैंने सोचा कि मेरे को आईआईटी करना है और अच्छा रैंक चाहिए। फिर धीरे धीरे जब जैसे जैसे कॉम्पिटिशन रियलाइज़ हुआ, समझ आया कितना टफ है, तो वो जो हम लोग सोचते हैं कि 9th में तो कोई भी आराम से आईआईटी बॉम्बे सीएससी हो जाएगा, रैंक 100 ईजी है, वैसा सब मिथ्स होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हम लोगों को रियलाइज़ होता है कि टफनेस कितनी ज़्यादा है, मोटिवेशन अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं। पढ़ाई अगर हम लोग सिस्टमेटिकली करें है तो ईजी, बट अप्स एंड डाउन्स उसको ज़्यादा टफ बनाते हैं। तो जैसे मेरे मार्क्स 11th 12th में नॉर्मली तो ओके रहते थे, बट बीच बीच में ऐसे डाउन हो जाता था तो मोटिवेशन डाउन होता था। तो मेरे घर वाले कभी प्रेशराइज़ नहीं करते थे कि ऐसा कैसे डाउन हो गया, या डीमोटिवेट नहीं करते थे, बल्कि बोलते थे कि ये तो 1-2 टेस्ट की बात है, आराम से फिर से आ जाएगा। तो फिर ऐसी और ऊपर से ये भी था कि मेरे भैया ऑलरेडी आईआईटी में थे तो उसका प्रेशर भी था, और वो एक तरह से मोटिवेशन भी था और प्रेशर भी था। यूएस सौरभ ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब कोई भी टारगेट सेट करते हैं तो शुरू में हमें वो टारगेट बहुत ईजी लगता है, और जब स्टार्ट करने के कुछ दिनों बाद ही अचानक कई बार ऐसा होता है कि बहुत डिफिकल्ट भी लगने लगता है, बट हमको मेहनत कर करके उसको उतना ही ईजी बनाना पड़ता है जितना वो हमको फर्स्ट टाइम में ईजी लग रहा था। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि हम लोग को शुरू में लगा वो ऐसा तो नहीं है कि पूरा गलत है, हम लोग ने एक स्पेसिफिक तरीके से सोचा था कि ऐसे ऐसे चलेगा सब तो इजी लगेगा, बट होता क्या है कि बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो अगर हम लोग उस चैलेंजेस को मतलब डिस्कस करके, टीचर से डिस्कस करो या कुछ ना कुछ करके, अगर हम लोग उसको स्टैंड बाई कर लिए तो ईजिली निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो सोचे थे वो बिल्कुल ही मिथ था। सही बात है। और बीच में जो हर्डल्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसके कारण हम अपना टारगेट पीछे कर लें या छोटा सोचना स्टार्ट कर दें। हाँ, मतलब ड्रॉपर्स भी तो कई बार होता है कि रैंक एकदम कम आती है बट टॉप 100 टॉप 200 आते हैं, मतलब 1 साल भी इनफ है एक्चुअली। तो अगर हम लोग को 2 साल मिल रहा है तो आराम से लाया तो जा सकता है अगर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। तो सौरभ, और क्या स्ट्रगल आपने फेस किया जब आईआईटी की तैयारी में, किस चीज़ का प्रेशर रहा आपके ऊपर? सबसे पहला प्रेशर तो यही था कि मेरे भैया आईआईटी में, तो एक्चुअली ये था कि मेरे को उनसे बेटर आईआईटी एक रहता है दिमाग में कि मिलना चाहिए। और बीच में स्ट्रगल्स ये थे कि जैसे बीच में मतलब मेरी केमिस्ट्री एक्चुअली थोड़ी वीक थी,
तो फिर मेरे को 12th में रियलाइज़ हुआ कि मेरे को केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ना चाहिए। एक तरह से मेरे लिए वही स्ट्रगल था क्योंकि मैं थोड़ा सा रटने में कम था, और केमिस्ट्री चाहे कोई कुछ भी बोले बट थोड़ा सा तो रटना पड़ता ही है। तो मेरे लिए ये दो स्ट्रगल तो सबसे बड़े थे, और बीच बीच में से मार्क्स कम आते थे तो मैं कभी कभी पढ़ना एक दो दिन के लिए छोड़ भी देता था। बट ऐसा करना नहीं चाहिए, मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ। बिल्कुल लगे रहना चाहिए अपने हाँ, टारगेट हमेशा में, लगे रहना चाहिए। मार्क्स कम ज़्यादा आते रहेंगे बीच बीच में। हाँ, मार्क्स कम ज़्यादा आते रहेंगे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ज़्यादा भी आएंगे तो हम लोगों को लगेगा कि हमको बहुत आता है, कम आएंगे तो लगेगा कुछ नहीं आता, बट एक्चुअली दोनों नहीं है। तो सौरभ, जैसे मैंने आपको 2 साल ऑब्जर्व किया फिजिक्स पढ़ाते हुए, जब आपकी मेंस की रैंक आई तो समाउ जितना आपने, हमने, सब लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ना कहीं अपने को थोड़ा रैंक पीछे मिल गई, तो उस समय आपका थॉट प्रोसेस क्या था कि अभी भी मेरे को इसको कन्वर्ट करना है, आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी बॉम्बे में, सीएस में कन्वर्ट करना है, तो उस समय आपने क्या सोचा? हाँ, शुरू के एक हफ्ते जब मेंस का रिज़ल्ट आया तो मैं बहुत ज़्यादा ही डीमोटिवेट था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट तो ऑलमोस्ट 500 या 1000 के अराउंड ही किया था, बट मेरी रैंक 3000 के आसपास आई। तो मैंने आप ही से बात की थी, तो आपने बोला कि तुझे मेंस का बोल ही जाना चाहिए क्योंकि आईआईटी में तो एडवांस ही मैटर करता है, और तू जैसे पढ़ता है उसके हिसाब से एडवांस निकाल सकता है आराम से। तो फिर एक दो हफ्ते तक तो मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट था, बट फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि अब क्या ही फ़ायदा है, हो गया तो अब एडवांस भी जंप करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में उतना ज़्यादा मेंस फोकस था नहीं, एडवांस की तैयारी किया फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद से। तो कहीं ना कहीं आप अपने जूनियर्स को बताना चाह रहे हैं कि मेंस की रैंक को एकदम लेते हुए अपना ऐसा कोई बेंचमार्क या प्लेटफॉर्म ऐसा सेट नहीं कर लेना चाहिए, और हमको ये सोचना चाहिए कि भाई ये क्वालिफाइंग एक एग्ज़ाम था, हमने उसको क्वालिफाई किया, और अगर हमने एडवांस के लायक तैयारी की है तो हमको उस पर पूरा फोकस देना चाहिए, तो डेफिनेटली हम एडवांस में जिस हिसाब से हमने तैयारी की है हम अचीव कर सकते हैं। हाँ, उसी को खुद पे भरोसा करना बोल सकते हैं, कि आपको खुद पे भरोसा होना खुद चाहिए पे कि आप भरोसा होना चाहिए, किस चीज़ के लिए बने हो। खुद पे स्टूडेंट को भरोसा होना चाहिए, उनके टीचर्स को भी भरोसा करना चाहिए कि नहीं हमने इतने जो 2 साल मेहनत की है तो डेफिनेटली इसकी एडवांस में रैंक अच्छी आएगी, पेरेंट्स को भी भरोसा करना चाहिए। और जैसा कि सौरभ ने बताया, इनके ऊपर ना तो टीचर्स की तरफ से ना तो पेरेंट्स की तरफ से ऐसा कभी कोई प्रेशर नहीं रहा, सबने इनके ऊपर बिलीव किया और इन्होंने अपने ऊपर भी बिलीव किया, ये सबसे बड़ी बात है। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन जो सौरभ होता है सारे जूनियर्स के अंदर, एक एंथुजियाज्म होता है कि मटेरियल कौन कौन से लगाने चाहिए उनको, बुक्स कौन कौन सी लगानी चाहिए। हाँ, तो शुरू में तो मतलब जब मैंने 11th में आया था तो मैं बहुत सारी बुक्स सोचता था कि ये लगाऊंगा वो लगाऊंगा, बट फिर मेरे को दीपक सर और विवेक सर और जितेंद्र सर ने बताया कि इतनी सारी बुक लगाओगे तो कोई फ़ायदा है नहीं, इससे अच्छा एक ही बुक को 2 बार 3 बार लगा लो। तो मैंने फिज़िक्स में जैसे सबसे पहले तो डीसी पांडे लगाया और इरोडोव लगाया, और फिर बाद में मेरे को अनुराग मिश्रा के बारे में पता चला तो वो भी लगाया, और फिर लास्ट में जब एडवांस के लिए 1 महीना था तब रिवीजन के लिए एक आशीष अरोरा की बुक आती है 700 प्रॉब्लम्स, वो लगाया। और मैथ्स में मैंने शुरू में विकास गुप्ता लगाया, और बाद में 12th में सिंगेज कैलकुलस और अरिहंत अलजेब्रा लगाई। और हमारी जो मॉड्यूल्स थी वो भी बहुत हाई लेवल की थी, तो मॉड्यूल्स मैथ्स के लिए इनफ थी। और केमिस्ट्री में मैंने मतलब पता किया कि थ्योरी थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस से, तो फिर मैंने थ्योरी के लिए लास्ट में JDLE पढ़ी, बल्कि अगर शुरू से पढ़ोगे तो फ़ायदा है, और NCERT तो मस्ट है। और फिजिकल के लिए मैंने केवल मॉड्यूल्स ही लगाए, और ऑर्गेनिक के लिए भी मॉड्यूल्स, उसके अलावा केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि उसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट और थ्योरी एक बुक से हो जाती है। बाकी जो मटेरियल्स आपने बताए वो तो फोकस टू आईटी करिकुलम है, आईटी के सिलेबस से मैच करते हुए, और तो बट JDLE पढ़ते समय आपको बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कौन सी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस जा रही है, कितना हमारे काम का है। हाँ, बट मैंने क्योंकि लास्ट में लगाया था तो मेरे को आइडिया था कि मेरे को ये पढ़ना है, बट अगर आप पहले लगा रहे हो तो आप टीचर से पूछो या NCERT साइड में रख के देखो, ये टॉपिक्स अगर उसमें हैं तो वही पढ़ो, वही पढ़ो। सो सौरभ, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि डेफिनेटली किसी भी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल तो पेरेंट्स का होता है, देन स्टूडेंट का होता है कि उसने कितनी मेहनत की है, और आपकी इस सक्सेस में आप आपकी कोचिंग वाइब्रेंट एकेडमी को कहाँ पे देखते हैं? मैंने पढ़ाई वाइब्रेंट से की है तो एक तरह से तो सब कुछ वाइब्रेंट की वजह से ही है, भले ही मैंने मेहनत की बट वाइब्रेंट के टीचर्स ने हेल्प की। और हम लोग वहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए भी ऑलमोस्ट बहुत रुके हैं, तो एक तरह से वाइब्रेंट हमेशा से सपोर्ट करता है कि आप जब तक चाहो तब तक पढ़ो, ज़रूरी नहीं है कि क्लासेस ख़त्म हो गई तो घर जाओ,